दोस्तों, चार बार पीने से 75 की उम्र में होगा 25 का एहसास, कमजोरी, बुढ़ापा, थकान सबका इलाज। नमस्कार दोस्तों, आज का उपाय एक ऐसा नुस्खा है जिसको लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। अगर आपको बार बार थकान होती है, रात को नींद नहीं आती है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो कभी कमर में दर्द होने लगती है, पूरा दिन सुस्ती छाई रहती है, बाल झड़ने लगे हैं और चेहरे पर बढ़ती झुर्रियाँ बुढ़ापा कमजोरी दिखाती है, तो आज हम ऐसे नुस्खे के बारे में जानेंगे जिसे लेने के बाद आप भी कहेंगे कि इसके बारे में आपने पहले क्यों नहीं बताया। यह दोस्तों शरीर की सारी प्रॉब्लम दूर करेगा, शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा, हड्डियां मजबूत करेगा, कमजोरी, थकान, बुढ़ापे जैसे लक्षण पूरी तरह खत्म करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग का पहला महत्व अपने शरीर को देते थे, जिससे बीमारियां और बुढ़ापा लंबे समय तक उनसे दूर रहता था। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे के बारे में। इसे बनाने में हम दोस्तों 4 से 5 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली चीज है दोस्तों आपको लेनी है, वह है बादाम। न्यूट्रिशंस की मात्रा भरपूर होने के कारण दोस्तों बादाम हमारी आंखों के लिए और दिमाग के लिए काफी फायदेमंद होता है। साथ ही साथ बादाम में दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत रखते हैं और हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर बादाम 6 से 7 लेने हैं, जिसमें तेल भरपूर मात्रा में हो और जिनकी गिरी सूखी हुई ना हो, यानी कि अच्छी क्वालिटी के 6 से 7 बादाम आपको लेना है। दूसरी चीज जो दोस्तों आपको लेना है वह है अखरोट। रोजाना अखरोट के सेवन करने वाले लोगों को दोस्तों बुढ़ापे तक भी उनके जोड़ों में दर्द की समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करता है। आपको दोस्तों यहाँ पर अखरोट की गिरी को तोड़कर निकालना है और यहाँ पर हम 2 अखरोट की गिरी को निकालेंगे। आप 2 अखरोट के बराबर गिरी लीजिए और उसके बाद हम मिलाएंगे सूखे हुए नारियल को। सूखे हुए नारियल शरीर में खून की कमी और एनीमिया जैसी बीमारी को दूर कर शरीर की कमजोरी और थकान को खत्म करने का बहुत ही बेहतरीन उपाय है। ये सूखा हुआ नारियल, वैसे तो हम इसका प्रयोग घर में बहुत सारी स्वादिष्ट चटनियाँ बनाने में करते हैं, लेकिन दोस्तों सूखा हुआ नारियल कुछ इस तरह से मिलेगा और आपको लगभग आधी के बराबर से इस तरह से छोटे छोटे लंबी पीसेस में छील लेना है और हम यहाँ पर इतनी मात्रा में इसे लेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, इतना सा छिला हुआ नारियल इसमें डाल देना है। और फिर आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों मखाना। मखाने को दोस्तों हम गुणों का सागर भी कह सकते हैं। इसके जितने फायदे बताऊं उतना कम है। हड्डियों की सेहत के लिए, स्किन के लिए, बालों की सेहत के लिए, साथ ही साथ यह हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई ले सकता है। आपको दोस्तों यहाँ पर 3 चम्मच लेना है। आप 3 चम्मच इसमें डाल दीजिए। और आखिरी चीज जो दोस्तों आपको यहाँ पर लेनी है वह है खसखस। खसखस को दोस्तों दर्द निवारक भी कहा जाता है। नींद न आना, दिन भर सुस्ती छाई रहना, कब्ज जैसी समस्या में भी खसखस बहुत फायदेमंद है। आपको दोस्तों यहाँ पर 2 चम्मच खसखस इसमें मिलाना है। अब 2 चम्मच खसखस मिलाने के बाद इन सभी चीजों को मिक्स कर लीजिए और इसका प्रयोग हम करेंगे दूध के साथ। आप दूध के साथ इसे लीजिए, जिससे कि ये शरीर में अच्छे से काम करेगा। दोस्तों बनाने के लिए आपको क्या करना है कि हमें सभी मिश्रण को अच्छे से बारीक ग्राइंडर कर लेना है और ग्राइंडर करने के बाद ये तैयार हो जाएगा और यह जो पाउडर है आपको इस तरह से मिलेगा। इसे हम बाउल में डाल देंगे। इसे लंबे समय तक रखने के लिए आप इसे किसी कंटेनर में डाल दें ताकि ये खराब ना हो और इसे ठंडी जगह पर रखें, जैसे कि आप फ्रिज में रख सकते हैं। इस उपाय को दोस्तों आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा और कमजोरी, थकान, बुढ़ापे जैसे लक्षण पूरी तरह से दूर करेगा। इसे आपको दूध में लेने के लिए आपको 2 चम्मच दूध में 1 गिलास दूध में डालकर धीमी आंच पर गर्म करना है। दूध अच्छे से गर्म हो जाए तब आप इसे उतार लीजिए। आपको दूध इस तरह से दिख जाएगा और मिठास के लिए आप चाहे तो दोस्तों इसमें मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें मीठा बनाने के लिए धागे वाली मिश्री ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है चीनी आपको नुकसान पहुंचाए। आप इतनी सी मिश्री डालकर इसे अच्छे से घोल लीजिए। अब इसे आपको कब लेना है वो देखिए। इस उपाय का प्रयोग रात को सोने से पहले कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद और सोने के कम 30 मिनट पहले आप इसे लीजिए। आप रात को 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे खाना खाने के बाद 10 बजे के आसपास इसे पीजिए और इसे लेने से आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इस उपाय को दोस्तों पहले 3 दिन रोजाना रात को पी लीजिए और फिर इसे आप 2 दिन में 1 बार लीजिए। पहले 3 बार में ही आपको इसके ऐसे असर दिखाई देंगे कि सुस्ती, थकान, जोड़ों में दर्द दूर कर शरीर में नई चुस्ती और फुर्ती
देखेंगे और 75 की उम्र में भी आप 25 जैसे चुस्ती और फुर्ती का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी यही तक थी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।